और एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। मध्य प्रदेश में एक बड़ी अनहोनी हो गई है। वायुसेना का एक विमान क्रैश हो गया है जिसमें एक पायलट की मौत हो गई है। इस हादसे के बाद वायुसेना ने जांच के आदेश दे दिए। पीएम मोदी को भी इस हादसे की जानकारी दी गई है। देखिए ग्वालियर एयरबेस से उड़ान मुरैना में हादसा। सुखोई मिराज लड़ाकू विमान हादसे का शिकार। एक हादसा हजार सवाल जारी हुई पड़ताल। एमपी के मुरैना में भीषण विमान हादसा। मध्य प्रदेश के मुरैना में सुखोई 30 और मिराज क्रैश। राजस्थान के भरतपुर तक गिरा मलबा। मध्य प्रदेश का मुरैना जिला आज विमान हादसों का सबसे बड़ा गवाह बन गया। सुबह के वक्त सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसी वक्त धमाकों की आवाज के साथ दो लड़ाकू विमानों का मलबा मुरैना के पहाड़गढ़ इलाके में आ गिरा। यही हाल राजस्थान के भरतपुर में नजर आया, जहां पर सुलगता हुआ मलबा गिरा और देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। ये देखिए लड़ाकू विमानों का मलबा कैसे धधक रहा है। मुरैना टू भरतपुर ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। मिराज और सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के हादसे की सूचना मिलने के साथ ही मौके पर राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। भरतपुर में मौके पर वायुसेना के अफसर पहुंच गए और मुरैना में पायलट के रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर पहुंच गया। विमान में फंसे दो पायलटों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन ये दोनों पायलट घायल हो गए थे, जिन्हें रेस्क्यू के बाद अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं इस हादसे में एक पायलट शहीद हो गया। दोपहर होते होते तक खबर आई कि सुखोई में सवार दोनों पायलट सुरक्षित बचा लिए गए, लेकिन तब तक मिराज 2000 को उड़ाने वाला पायलट वीर गति को प्राप्त हो चुका था। ये हादसा इतना भीषण था कि इन विमानों का मलबा राजस्थान के भरतपुर में जा गिरा। पहले ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि राजस्थान के भरतपुर में भी विमान हादसा हुआ है, लेकिन बाद में पता चला कि ये उसी विमान का मलबा था जो मुरैना में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। सुखोई 30 और मिराज 2000 ग्वालियर एयरबेस में अभ्यास कर रहे थे। दोनों विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से ही उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों विमान हादसे का शिकार हो गए। वायुसेना ने विमान हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं, तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पीएमओ को भी दे दी गई है। इसके अलावा हादसे के फौरन बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना प्रमुख से संपर्क किया, तो वहीं वायुसेना के अफसर मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। तो वहीं रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों विमानों की रफ्तार बेहद ज्यादा है, तो संभव है कि आसमान में हुई टक्कर की वजह से ये हादसा हुआ होगा। बहरहाल हादसा क्यों हुआ, इस हादसे के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है, और हादसे की जांच कब तक पूरी होगी, इन तमाम सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।